आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, राइट। अब सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? तो अगर हम लोगों को एक कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको एटलीस्ट दो इन्फॉर्मेशन रखना है, राइट। एक जो यहाँ पे हम लोगों को डेटा स्टोर करेगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो एड्रेस स्टोर करेगा, राइट। सपोज करो कि अगर मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना है और वो जो लिस्ट क्रिएट करना है वो स्टूडेंट का लिस्ट है, राइट। तो कोई भी स्टूडेंट का अगर मुझे लिंक लिस्ट क्रिएट करना होगा तो हर स्टूडेंट के पास क्या होगा, तो एटलीस्ट एक रोल होगा और दूसरा जो एड्रेस होगा वो किसी और स्टूडेंट का होगा, राइट। तो सपोज करते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट वन है, तो दूसरा जो स्टूडेंट होगा उसके पास भी सेम इन्फॉर्मेशन होगा, एक उसका अपना रोल होगा और दूसरा एक एड्रेस होगा, राइट। और ये जो एड्रेस होगा वो अपने सेकेंड स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करेगा, राइट। तो मान लेते हैं ये स्टूडेंट टू है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट के पास अपना रोल होगा और एक एड्रेस होगा जो अपने ही टाइप का होगा, राइट। अपने टाइप का कहने का सेंस कि अगर वो स्टूडेंट है तो फिर वो जो एड्रेस स्टोर करेगा वो किसी स्टूडेंट का ही एड्रेस स्टोर करेगा, राइट। वो किसी दूसरे टाइप का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता। और ये जो दूसरे स्टूडेंट है वो फिर से किसी और स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करेगा और उस स्टूडेंट के पास भी दो इन्फॉर्मेशन होगा, एक होगा रोल और दूसरा होगा एड्रेस। सपोज ये है स्टूडेंट थ्री, राइट। तो स्टूडेंट टू के पास अपना दो इन्फॉर्मेशन है, एक रोल है और एक एड्रेस है, और ये जो एड्रेस होगा वो अपने पड़ोस वाले स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करेगा, राइट। तो हम लोगों को सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाते समय ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे रोल नंबर हम लोगों ने रखा तो सेमेस्टर भी रख सकते थे, ब्रांच भी रख सकते थे, लेकिन उसके साथ कंपल्सरी क्या है कि मुझे यहाँ पे एक एड्रेस जरूर रखना पड़ेगा, राइट। तो सेल्फ रेफरेंशियल का सेंस क्या हो गया कि वो सेल्फ टाइप का किसी और नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, राइट। सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉय होता तो एम्प्लॉय क्या रखेगा, तो हर एम्प्लॉय के पास अपना आईडी होगा, राइट, और एक एड्रेस होगा, और ये जो एड्रेस होगा वो किसी और एम्प्लॉय का होगा, राइट। तो एक इम्प्लॉय मान लेते हैं E1 है और ये इम्प्लॉय E2 है, तो इम्प्लॉय 1 अपना खुद का एड्रेस रखेगा और जो एड्रेस रखेगा वो किसी और इम्प्लॉय का रखेगा, राइट, वो सेकेंड इम्प्लॉय का रखेगा, और सेकेंड इम्प्लॉय फिर से अपना आईडी स्टोर करेगा और एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इम्प्लॉय स्टोर करेगा, राइट। तो इस तरह से एक हमारा लिस्ट क्रिएट होता जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड अ सिंगल लिंक्ड लिस्ट। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग कैसे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि एक स्ट्रक्ट बना लेना है, और स्ट्रक्चर सपोज हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट का, राइट। तो इस स्टूडेंट के पास कम से कम दो इन्फॉर्मेशन रखना है, राइट। एक सपोज कर लेते हैं कि मुझे रखना है रोल नंबर, राइट, और दूसरा जो होगा इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन एड्रेस होगा, और ये जो एड्रेस रखेगा वो खुद का टाइप का होना चाहिए, राइट, सेल्फ टाइप का होना चाहिए। तो अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ही रेफरेंस रखेगा, अगर ये हमारा एम्प्लॉय होता तो एम्प्लॉय का एड्रेस रखता, अगर वो हमारा बैंकर होता तो बैंकर का एम्प्लॉय रखता, अगर वो टीचर होगा तो टीचर का एम्प्लॉय टीचर का एड्रेस रखेगा, राइट। तो इन द नट सेल वी कैन से दैट इन एवरी स्ट्रक्चर देयर शुड बी एटलीस्ट वन इन्फॉर्मेशन and second one should be the address of its own type, right? तो यहाँ पे हम लोगों का अपने type का क्या है, student, right?
तो यहाँ पे हम लोग जो रेफरेंस रखेंगे वो कैसे रखेंगे, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट और यहाँ पे एड्रेस रखेंगे। तो कोई भी एड्रेस रखना है तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ नेक्स्ट, राइट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, मैं नेक्स्ट इसलिए रखा हूँ ताकि मैं इंडिकेट कर पाऊँ कि मैं जो एड्रेस रखूँगा वो नेक्स्ट स्टूडेंट का होगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अगर इसी तरह से अगर मुझे बोलता कि एम्प्लॉय का आप एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर तैयार करो, तो जस्ट यहाँ पे आपको चेंज कर देना था कि जहाँ पे स्टूडेंट लिखा वहाँ पे आप एम्प्लॉय कर दो और यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पर एम्प्लॉय सेट कर दो, राइट। अब हम लोग लिंक लिस्ट तैयार करते हैं। लिंक लिस्ट तैयार करने का सेंस क्या हुआ कि मेरे पास सपोज 3 स्टूडेंट है और 3 स्टूडेंट हम लोग बनाएंगे कैसे, सो वी विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्ट एंड देन टाइप इज स्टूडेंट एंड वेरिएबल नेम इज सपोज std1 एंड std2 एंड थर्ड वन इज std3। सो वी हैव 3 स्टूडेंट पॉइंटर वेरिएबल, राइट। और पॉइंटर वेरिएबल आपको पता है कि जब कभी भी स्टोर करता है तो वो किसी ना किसी का एड्रेस स्टोर करता होगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को स्टूडेंट वन के पास कितना इंफॉर्मेशन होगा, तो रोल होगा और एक नेक्स्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंडिकेट करते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट वन है, तो स्टूडेंट वन के पास 2 इन्फॉर्मेशन है, एक है उसका खुद का रोल और एक है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट, राइट। और नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है, सपोज स्टूडेंट 2 है मेरे पास और स्टूडेंट 2 के पास भी अब 2 इन्फॉर्मेशन है, एक है उसका खुद का रोल और दूसरा जो स्टोर करेगा वो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट स्टोर करेगा, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा स्टूडेंट भी है, student 3, और student 3 के पास भी सेम इंफॉर्मेशन होगा, एक होगा इसका रोल और दूसरा होगा नेक्स्ट, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या था कि पहले स्टूडेंट के पास एक रोल सेट करना था, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने सेट कर दिया कि student 1 का रोल है सपोज 10 और student 2 के पास है सपोज 40 और student 3 का जो रोल है वो है हमारा 55, राइट। अब student 1 के पास रोल सेट हो गया लेकिन student 1 को अभी student 2 का एड्रेस मालूम नहीं है, राइट। और student 2 के नेक्स्ट में हम लोगों को एड्रेस रखना है student 3 का, राइट। सो दैट द student 1 विल बी कनेक्टेड विथ student 2 एंड student 2 विल बी कनेक्टेड विथ student 3, और इस तरह से हमारा एक लिस्ट तैयार हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, तो student 1 का रोल, सो यूज द इनडायरेक्शनल ऑपरेटर बिकॉज इट इज अ पॉइंटर। तो स्टूडेंट हम लोगों का स्टूडेंट का रोल हमारा हो जाएगा कितना, 10। अब student 2 का रोल सेट करना है, तो student 2 का रोल इज इक्वल्स टू 40 एंड student 3 का रोल कितना हो जाएगा, 55, राइट। अब यहाँ पे हमारा सारा वैल्यू सेट हो गया रोल नंबर। अब मुझे क्या करना है कि इस नेक्स्ट पॉइंटर में हम लोग को एड्रेस रखना है किसका, student 2 का, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे उस लाइन को, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट करेंगे student 1 का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू student 2, राइट। अब आप देखो यहाँ पे कि स्टूडेंट जो था नेक्स्ट वाला हमारा वैल्यू, ये नेक्स्ट एक पॉइंटर वेरिएबल है और student 1 भी हमारा पॉइंटर है, student 2 भी पॉइंटर है और दोनों जो है वो सिंगल पॉइंटर है, राइट। तो ये नेक्स्ट भी कोई ना कोई एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा और student 2 भी कोई ना कोई एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे जो student 2 जिस एड्रेस को पॉइंट करता है उस एड्रेस का वैल्यू हम लोग किसको पॉइंट करवा दिए, नेक्स्ट में डाल दिए। तो अगर ये हमारे student 2 पॉइंट कर रहा होता सपोज 2000 को, राइट,
तो ये 2000 यहाँ पे आ गया एंड दिस वन इज नाउ पॉइंटिंग टू स्टूडेंट टू, और इसका एड्रेस होता सपोज 1000 और इसका एड्रेस पॉइंट करता 3000, राइट। तो अब हम लोग सबको कनेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट टू के नेक्स्ट में कितना स्टोर कर देंगे, स्टूडेंट थ्री का वैल्यू, राइट। और स्टूडेंट थ्री का वैल्यू कितना था, 3000। सो इन प्लेस ऑफ दिस नेक्स्ट वी विल गेट हियर 3000 एंड दिस वन विल पॉइंट टू स्टूडेंट थ्री। अब यहाँ पे लास्ट में देखो स्टूडेंट थ्री के पास किसी का एड्रेस नहीं है, राइट। तो जब किसी का एड्रेस नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग कितना सेट कर देंगे, नल, राइट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टूडेंट थ्री का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, राइट। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, स्टूडेंट वन के नेक्स्ट में है हमारे पास 2000, स्टूडेंट टू के नेक्स्ट में है 3000 और स्टूडेंट थ्री के नेक्स्ट में किसी का एड्रेस नहीं है। तो अगर मुझे अब फर्स्ट स्टूडेंट का एड्रेस मालूम हो जाए तो मैं इसके थ्रू इसका रोल नंबर, इसका रोल नंबर और इसका रोल नंबर भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसे मैं कैसे एक्सेस करूँगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे एक्सेस करना है इस स्टूडेंट वन का रोल, राइट। ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि प्रिंट एफ कर देंगे और प्रिंट एफ के अंदर में प्रिंट कर देते हैं परसेंटेज की एंड देन स्टूडेंट वन का रोल, राइट। उसी तरह से अगर मुझे उसका नेक्स्ट वैल्यू पता करना हो कि उसके पास किसका एड्रेस है, तो नेक्स्ट में किसका एड्रेस था, स्टूडेंट टू का। अगर आप उसको भी प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, और पॉइंटर प्रिंट करना है तो परसेंटेज पी का यूज कर सकते हो आप, राइट। और यहाँ से हम पूछ लेते हैं कि स्टूडेंट वन के नेक्स्ट में कितना एड्रेस है। तो स्टूडेंट वन के नेक्स्ट में किसका एड्रेस था, सेकेंड वाले का। तो सेकेंड वाले का एड्रेस सपोज 2000 था, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट कर देगा 2000, राइट। जो भी एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस तो रैंडमली लेगा, तो जो भी रैंडम एड्रेस आएगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब हम लोगों का मेन पार्ट है कि स्टूडेंट वन के थ्रू हम लोग स्टूडेंट टू का रोल कैसे एक्सेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो कि स्टूडेंट वन का नेक्स्ट करने से मुझे मिल गया कितना, 2000, और इस 2000 के थ्रू हम लोग इसका रोल एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो परसेंटेज डी, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आप सेम रिपीट कर लेना। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, स्टूडेंट वन का नेक्स्ट, स्टूडेंट वन का नेक्स्ट करने से हम लोग को मिल जाएगा सेकेंड वाले का एड्रेस यानी 2000, और 2000 वाले का रोल प्रिंट करना है, राइट। तो 2000 वाले का रोल कितना था, 40, सो वी विल गेट हियर 40। लाइकवाइज वी कैन ऑल्सो एक्सेस इट्स नेक्स्ट वैल्यू एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नेक्स्ट वैल्यू वी कैन एक्सेस द रोल नंबर ऑफ थर्ड स्टूडेंट, राइट। तो वो चीज़ आप कर लेना, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको आंसर दे दूंगा, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना।